हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज हम क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है चैप्टर नंबर 3 लेकर आए हैं, और इसके अंदर हम पार्ट नंबर 2 वीडियो डिलीवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर ली थी। आज हम पार्ट नंबर 3 के अंदर जो है एक उससे नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर, उसे जो है हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो हमारा टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, यानी सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच में क्या संबंध होता है, हमें जो है वही बात करनी है आज। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या हमारे पास जो है रिलेशनशिप नज़र आता है। इसके अंदर जो है बेसिकली 5 इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप इन 5 के 5 रिलेशनशिप को जो है लिख सकते हैं या बता सकते हैं, जिसके द्वारा आपके इस आंसर को कंसिडर किया जाएगा बहुत बेस्ट तरीके से। तो इसके अंदर जो है हम पॉइंट वाइज जो है इन 5 के 5 जो है रिलेशनशिप की बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप है वो है टोटल यूटिलिटी इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बता रहा है कि जो हमारे पास टोटल यूटिलिटी है, अगर हमें वो निकालनी है कि किसके बराबर है, वो समेशन का मतलब होता है ऐड करना, टू ऐड। तो इसके लिए क्या है, ऐड किस चीज़ को करना है हमें, मार्जिनल यूटिलिटी को। तो इसके लिए हमारे पास जो इकोनॉमिक्स में एक फॉर्मूला दिया जाता है, समेशन की जगह हम जो है यहाँ पे सिग्मा लगा सकते हैं, सिग्मा, ये सिग्मा का साइन है मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सिग्मा का मतलब भी क्या होता है, समेशन, इसको हम बोलते हैं सिग्मा। ये काफ़ी हमारे जो है आगे जितने भी कॉन्सेप्ट हमारे पास जो होंगे अलग अलग चैप्टर्स के अंदर, कई बार हमारे जो है ये सामने हमारे आएगा, जिसका बेसिकली मतलब यही होता है टू ऐड। तो इसे हम जो समझने की कोशिश करेंगे अपने टेबल के द्वारा, पहली अपनी जो हमारी रिलेशनशिप है। अब हमने बात कर ली कि जो टोटल यूटिलिटी है वो किसके बराबर है, सिग्मा एम यू के, या समेशन ऑफ एम यू के। तो हम इसके अंदर जो है ये देखेंगे कि अगर हमारे पास टोटल यूटिलिटी हमारे पास नहीं है और एम यू है हमारे पास, तो हमें टी यू फाइंड करनी है, तो वो कैसे निकलेगी, वो समेशन करते चले जाएंगे हम। जब यूनिट 1 पे हम जो है 10 के अंदर, इससे पहले का हमें कुछ नहीं पता था, तो यहाँ पे जो है हमारे पास 10 ही आ जाएगा। जब हम इसके अंदर एम यू को जो है सबमिशन करते जाना, यूनिट 2 के अंदर जो है 10 + 8 करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 18। ऐसे ही जब हम 3rd यूनिट पे आएंगे तो हम इस 18 के अंदर 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। ऐसे ही जब 4th यूनिट पे आएंगे, 24 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। ऐसे ही जब हम 5th यूनिट पे आएंगे, हम इसके अंदर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो कुल मिलाकर इसमें जो है हमें यही जो है ऐड ऑन करते जाना है मार्जिनल यूटिलिटी को, अपनी टोटल यूटिलिटी फाइंड करने के लिए, जो कि हमारी इस टेबल के अंदर बेहतर तरीके से मैंने समझाने का प्रयास करा है कि जैसे जैसे हम जो है यहाँ पर टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी को जो है ऐड ऑन करते जा रहे हैं, हमारे पास जो है टोटल यूटिलिटी फाइंड होती जा रही है। कैसे होती जा रही है, उसके अंदर हमने वही बात कर ली कि जब हम 10 था हमारे पास पहले, तो जो है फर्स्ट यूनिट पे 10 ही होगा हमारे पास, क्योंकि उससे पहले हमारे पास कुछ नहीं था। इसके अंदर फिर जब हम नेक्स्ट यूनिट पे आएंगे तो 8 ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, 18। इसके अंदर जब हम 6 ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 24। इसके अंदर जब हम 4 ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 28। ऐसे ही जब हम इसको ऐड ऑन करते चले जाएंगे तो हमारे पास अपने नेक्स्ट यूनिट पर जो है वो फाइंड होती रहेगी टोटल यूटिलिटी। तो फर्स्ट रिलेशनशिप इसके अंदर यही है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड रिलेशनशिप के ऊपर आते हैं। सेकंड रिलेशनशिप के अंदर जो है बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। अब ये क्या बता रहा है, फर्स्ट रिलेशनशिप तो हमें यही बता रहा है कि अगर हमारे पास टोटल यूटिलिटी ना हो तो हम उसे कैसे निकाल सकते हैं, सबमिशन करके एम यू का, मार्जिनल यूटिलिटी का। अगर अब हमें जो है मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी हो और अगर हमें जो है टोटल यूटिलिटी गिवन हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से, जो कि इसके एक रिलेशनशिप को भी बताता है।
तो उसे हम भी जो है दोबारा जो है अपने टेबल पर चलते हैं समझने के लिए। अब इसमें बात हो गई है कि MU क्या है, MU nth क्या है, कि जिस भी हमें क्वांटिटी पे पता करना है या यूनिट पे पता करना है वो हमारा MU nth हो गया। क्या हो गया? MU nth, ठीक है ना, ये हमारे MU nth हो गए। अब टोटल यूटिलिटी ऑफ n, TUn क्या है? TUn वो है हमेशा कि जिस भी क्वांटिटी के ऊपर हम जो है बात कर रहे हैं, अगर हम फर्स्ट यूनिट पे बात कर रहे हैं तो उसके सामने वाला, थर्ड यूनिट पे बात कर रहे हैं तो उसके सामने वाला, ऐसी जिस भी यूनिट पे हम बात कर रहे हैं या क्वांटिटी पे बात कर रहे हैं उसके बिल्कुल जस्ट सामने जो हमें टोटल यूटिलिटी दे रखी है वही क्या है? TUn है। और TUn माइनस वन क्या है? TUn माइनस वन है, TUn माइनस वन वो क्या है? TUn की बात हमने कर ली कि जो हमारे क्वांटिटी के बिल्कुल जस्ट सामने वाला है वो है हमारा TUn। तो TUn माइनस वन क्या है? जब हमारा ये जो है TUn है तो इससे जस्ट जो है पहले वाला होगा हमारे पास, वो क्या होगा? वही होगा हमारे पास टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस वन। तो अगर हम इसके अंदर जो है फर्स्ट अपने जो है क्वांटिटी की बात करें कि अगर हमें जो है फर्स्ट क्वांटिटी के ऊपर टोटल यूटिलिटी में से मार्जिनल यूटिलिटी को पता करना है, अगर हमारे पास ये ना हो तो वो कैसे पता चल जाएगी? वो ऐसे ही पता चल जाएगी कि टोटल यूटिलिटी ऑफ n, TUn क्या है? 10, ठीक है। अब TUn माइनस वन, इससे पहले हमारे पास कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो 10 के अंदर जो है हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 आ जाएगा। वही जो है हमारी यहाँ पे लिखी हुई है 10 मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे ही जब हम सेकंड यूनिट पर आएंगे, हमें पता करना है कि सेकंड यूनिट पर जो है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, वो हम क्या करेंगे? TUn, TUn मैंने बताया क्वांटिटी के बिल्कुल जस्ट सामने क्या है? 18। तो 18 माइनस कितना करना है हमें? 10। इससे पहले कर क्या है? इससे पहले का हमारे पास जो यूनिट है वो क्या है? 10। तो 18 में से जब हम 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो हमें सेकंड यूनिट पर जो मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड हुई वो ये हुई 8। ऐसे ही जब हम थर्ड यूनिट पर आएंगे तो हम क्या करेंगे? थर्ड यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए इन केस अगर हमारे पास ये नहीं है तो टोटल यूटिलिटी ऑफ n क्या है? 24। इसके अंदर से हमें माइनस कर देना है उससे जस्ट पहले वाले टोटल यूटिलिटी को, जैसे कि हम TUn माइनस वन की बात कर रहे हैं। तो इसमें से हमने ये माइनस किया तो कितना आ रहा है हमारे पास? 24 में से जब हम 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। वही मैंने जो है यहाँ पे लिखा भी है। तो कुल मिलाकर जब हम यही देख रहे हैं कि TUnth मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth, यानी किस क्वांटिटी या यूनिट पे हम बात कर रहे हैं उसकी हमें जो है मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि जो TUn है, जो जस्ट जो हमारी क्वांटिटी के सामने है, उस टोटल यूटिलिटी में से हमें उससे जस्ट पहले वाले टोटल यूटिलिटी को माइनस करते चले जाना है। तो यहाँ पे इससे पहले कुछ नहीं था तो इसलिए यहाँ पे 10 आ गया। 18 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसमें से जब हम 24 में से फिर 18 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 28 में से 24 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 30 में से 28 करेंगे माइनस 2 आ जाएगा। 30 में से फिर दोबारा जो है हम 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। और ऐसे ही जब 28 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये फॉर्मूला हमारे पास जो एक निकल के आ रहा है, यही जो है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड नंबर की जो रिलेशनशिप है उसको बता रहा है कि अगर हमारे पास टोटल यूटिलिटी हमें गिवन हो तो और हमें जो है मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी हो तो हम इस सिंपल से फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं कि MUnth इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस वन। ये सेकंड नंबर की हमारी रिलेशनशिप है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास थर्ड नंबर पे जो है रिलेशनशिप क्या है। व्हेन MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी यानी TU इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। अभी क्या बता रहा है कि जब सीमांत उपयोगिता घटती है, डिक्रीज यानी घटना, तो जो कुल उपयोगिता है या टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ती है। बढ़ती तो है लेकिन किस दर पे? घटती हुई दर पर, डिक्रीजिंग रेट पर। आइए हम इसे जो है अपने टेबल के द्वारा समझते हैं। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी घटती है, ये हमारी डिक्रीज होती है, तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है, लेकिन किस रेट पर? डिक्रीजिंग रेट पर। उसे हम
कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि पहले 10 से 18 हुए, तो यानी 8 का हमारे पास इंक्रीमेंट हुआ। फिर जो है हमारे पास 18 से 24 आया, तो फिर कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 6 का। फिर हम 24 से जो है 28 पर आए, फिर हमारे पास 4 का इंक्रीमेंट हुआ। ऐसे ही जो है हमारे पास जब हम 28 से जो है 30 पे गए तो हमारे पास प्लस 2 हुए, इसका इंक्रीमेंट हुआ। और जब 30 से हम दोबारा जो है 30 पे आए तो फिर क्या है, 0 इंक्रीमेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो हम यही देख रहे हैं कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी घट रही है, तो टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ तो रही है 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28, लेकिन वो किस रेट पर जो है इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीजिंग रेट पर। तो इसका जो है हमारे पास थर्ड जो है रिलेशनशिप निकल के आ जाता है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी घटती है, टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ती है, किस दर पे? घटती हुई दर पर। या व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ डिक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी इज़ इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। अब हम बात करेंगे इसमें अपने फोर्थ रिलेशनशिप की कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ज़ीरो, टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम। अब इसने क्या बताया है कि जब हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वो ज़ीरो हो, तो जो हमारी टोटल यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, हमेशा हाईएस्ट होगी, बिल्कुल जितना भी उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी इंक्रीज़ करने की, तो उस टाइम पे जो है वो हमारे पास मैक्सिमम हमारे जो है प्राप्त होगी। इसे भी हम अपने टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। आइए हम ये देख रहे हैं कि जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी ज़ीरो हो, तो ज़ीरो कहाँ पे हो रही है, हमारी सिक्स्थ क्वांटिटी के ऊपर या सिक्स्थ यूनिट पर हमारी जो है मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है। लेकिन जब हम ये देखेंगे इस पूरी अपनी टोटल यूटिलिटी वाली टेबल के कॉलम के अंदर, मैक्सिमम जो इसके अंदर टोटल यूटिलिटी है वो कहाँ पर है, सिक्स्थ यूनिट में 30 के ऊपर, ठीक है। तो जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगी तब हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी या हाईएस्ट होगी। यही इसका जो है फोर्थ रिलेशनशिप है। इसको हम अभी जो है ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट करके भी आपको दिखाएंगे, जो मैंने अपना ग्राफ बना रखा है। उससे पहले हम बात करते हैं इस अपने फिफ्थ रिलेशनशिप की। वो फिफ्थ रिलेशनशिप क्या है, वो है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग। और क्या बता रहा है कि जब हमारी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी या माइनस में चली जाएगी, तो जो हमारी टोटल यूटिलिटी है ना, जो अभी तक जो है इंक्रीज़ हो रही थी डिक्रीजिंग रेट पर, वो क्या होगी, वो फॉलिंग का मतलब गिरना स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा जो है ये कह सकते हैं कि उसके अंदर डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा। वो जो है अभी तक तो जो है घटती दर से बढ़ भी रही थी, लेकिन फिर क्या है, वो बढ़ना ख़त्म हो जाएगी, वो जो है नेगेटिव में जाना स्टार्ट कर देगी। फिफ्थ रिलेशनशिप हमारा यही है। इसे भी जो है हम अपने टेबल के द्वारा समझ सकते हैं कि सिक्स्थ यूनिट तक तो जो है हमारी इंक्रीज़ हो रही थी, ये कह सकते हैं कि डिक्रीजिंग रेट पे, और सेवन्थ यूनिट पर जैसे हम देख रहे हैं कि जब MU हमारी नेगेटिव हुई है, ऋणात्मक हुई है, माइनस में गई है, तो हमारी क्या है टोटल यूटिलिटी, ये कह सकते हैं हम क्या होना स्टार्ट हो गई है, फॉल, गिरना स्टार्ट हो गई या कम होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हम ये फॉलिंग हो रही है, ठीक है ना। तो ये हमारे पांच इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो है रिलेशनशिप थे, जिनको जो है हमें जानना ज़रूरी था एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसको जो है हमें बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए इसी टेबल के अकॉर्डिंग इन फाइव जो है अपने रिलेशनशिप को लिख कर इस टेबल को बना देना है। साथ ही साथ हमें जो है इसके ग्राफ को भी बना देना है, और हम इसे जो है कोशिश करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके कि कैसे समझ सकते हैं। कि अब ये देखिए, हम इसमें जो है अपने हर एक जो है रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। हमने बात करी थी इसके अंदर कि जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो डिक्रीज़ हो रही है, तो टोटल यूटिलिटी क्या है हमारी, इंक्रीज़ हो रही है ना, लेकिन किस रेट पर, डिक्रीजिंग रेट पर। पहले 8 बढ़ रहे हैं, फिर 6 बढ़ रहे हैं, 6 की दर से बढ़ रहा है, फिर 4 की दर से बढ़ रहा है, फिर 2 की दर से, फिर 0 की दर से, तो डिक्रीजिंग रेट पर। ये हमें रिलेशनशिप अपने इस ग्राफ से पता चल गया। नेक्स्ट जो हमें रिलेशनशिप इसके अंदर हमने एक बात करी कि जब MU हमारा यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो है ज़ीरो होगा, ज़ीरो कहाँ है, सिक्स्थ यूनिट पर, यानी ये जो हमारा ज़ीरो है सिक्स्थ यूनिट पर, तो उस टाइम पे हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या है, मैक्सिमम। ये हम अपने इस पॉइंट पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है। तो इसे भी हम जो है अपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लास्ट हमने जो इसमें बात कर रही थी रिलेशनशिप की,
कि जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो है नेगेटिव में चला जाएगा, नेगेटिव में कहाँ पे है, सेवन्थ यूनिट के ऊपर, सेवन्थ क्वांटिटी के ऊपर, जो कि हमारा यहाँ पर है, ये माइनस में हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमारा जो ये है टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है, ये क्या होना स्टार्ट हो गया, फॉल होना स्टार्ट हो गया या गिरना स्टार्ट हो गया। अभी तक ये यहाँ पर जो है बढ़ रहा था, कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पर जो है इसके अंदर डाउन आना स्टार्ट हो गया। यही जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो है बेसिकली पांच इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप थे जो हमें जो है जानने ज़रूरी थे। आई होप आपको जो है ये पूरा ही टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको जो है कोई भी टॉपिक समझने में कोई भी जो है आपको दिक्कत परेशानी महसूस होती है, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं, हम आपकी समस्या को जो है दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ADEDU Learning। ठीक है दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरज गौतम अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक छोटी सी अगली और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।